आज हम मौजूद हैं पटपड़गंज से निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी के यहाँ पे। आज अपर्णा जी से बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के सपने की। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आज से स्वच्छता अभियान को हम लोग जन आंदोलन बनाएंगे, इस जन आंदोलन में हम लोग बहुत सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और वो ब्रांड एम्बेसडर उस टाइम पे बड़े लोगों ने काम किया, बाबा रामदेव जी ने भी काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन अब चूंकि 2017 आया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अब ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर ही रहेंगे जो निगम पार्षद हैं, और ये जीत के आएंगे। नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है, नई उड़ान है। और आज बात करते हैं अपर्णा गोयल जी से कि प्रधानमंत्री जी के उस सपने को किस तरह से साकार करेंगी। धन्यवाद अश्विन जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यालय में। जो अभी अभी आपने बात कही कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वो स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन के रूप में उन्होंने देखना चाहा, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। ये तो प्रधानमंत्री जी का सपना है, लेकिन इससे पहले भी हम सब लोगों को इसे जन आंदोलन बना देना चाहिए था। अपने ब्रांड एम्बेसडर की बात की तो हाँ, मैं अपने आप को मानती हूँ ब्रांड एम्बेसडर। और जहाँ तक मेरे क्षेत्र की बात है, मेरा क्षेत्र है आईपी एक्सटेंशन वार्ड 19, ईस्ट दिल्ली का ये वार्ड है। मेरे वार्ड में सफाई की स्थिति ये है कि ऊपर की सड़कें सब आपको साफ नजर आएंगी, लेकिन जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, क्लस्टर्स हैं, उसके आसपास जब आप जाएँ या गाजीपुर गाँव तक आप चले जाएँ तो व्यावहारिक स्थिति है, सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है। और जो आपने मुझे अभी सिर्फ एक शब्द दिया ब्रांड एम्बेसडर, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि चलो निगम पार्षद भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आप अभी कैमरा रोल करते हुए चले जाइए मंगल स्वीट्स के पास, जोशी कॉलोनी, जो एक कच्ची कॉलोनी है, मदर डेयरी के बिल्कुल सामने एक ओपन साइट हुआ करती जिसमें लोग अपने घर से निकलते थे, थैली में कूड़ा बांध के लाते थे और उसको इस तरह से फेंकते थे, शॉट लगा के, छक्का लगाया, चौका लगाया करके। वो जिस दिन मैं जीत कर आई, क्योंकि वो मेरे घर के बिल्कुल पीछे पड़ता है, जब भी बालकनी खोलूं मुझे वो एरिया दिखता है, तो मेरा सपना है कि मैं अपने क्षेत्र को गार्बेज फ्री कर दूं। पहली बात, मैंने 3 महीने से हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ के निवासियों ने, वो भी ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वहाँ के लोकल निवासी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद और इनिशिएटिव हमने लिया, हमने सहयोग किया, आज वहाँ पर आपको एक पिन्नी भी कूड़े की नहीं मिलेगी। ये पिछले 5 दिन का रिजल्ट है, जो एक भी कूड़ा वहाँ पर नहीं है। पहले वहाँ डीडीए की लैंड पर पार्किंग बनी हुई थी जिसका एक ही गेट ओपन था, तो दूसरे गेट के पास कोई नहीं, टोकने वाला नहीं, तो लोग वहाँ कूड़ादान पूरा बना दिया उन्होंने, और हमारी पूर्व निगम पार्षदा ने वहाँ पर डस्टबिन लगवा दिए, उन्हें ऑथोराइज कर दिया कि आप यहाँ कूड़ा डाल सकते हैं। जब आप किसी को ऑथोराइज कर देंगे तो नेचुरली वो अपने घर से बाहर जाएगा ही नहीं। वो हमने सबसे पहले डस्टबिन मैंने हटवाए, क्योंकि मुझे वो ऐसी जगह पर डस्टबिन पसंद नहीं जहाँ पर कि ढेर सारा कूड़ा पड़ा। उसके बाद हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, गली गली गए, घर घर गए, जोशी कॉलोनी के RWA निवासी गए, उन्होंने भी लोगों को एजुकेट किया। उसके बाद हमने फाइन भी इम्पोज किया लोगों पर, छोटा मोटा फाइन किया। आज मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि 3 महीने के अंदर हमने कम से कम एक ओपन साइट को बिल्कुल गार्बेज फ्री कर दिया है, और आगे आने वाले 6 महीनों में आप इस एरिया में कोई भी ओपन साइट गार्बेज की नहीं देख पाएंगे। अपर्णा जी, हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि आप लोग ना डेंगू को लेके बड़ी इस टाइम पे गंभीर हैं, और आप जगह जगह जहाँ जहाँ आपके क्लस्टर कॉलोनी हैं, इवन डीडीए की भी आपके जो जगह हैं, वहाँ जगह जगह जाके आप उनको अवेयर करने भी डेंगू से बचाव किस तरह से हों। तो आज सुबह भी आप गई थी, तो मेरे को ये कहना चाह रहा हूँ कि पब्लिक वाकई में अवेयर हो रही है कि नहीं। बिल्कुल पब्लिक अवेयर हो रही है। जो आपने डेंगू की बात कही ना, देखिए केजरीवाल जी श्राप देते रहते हैं पूरी दिल्ली को, उन्होंने पूरी दिल्ली को श्राप दिया था कि अगर आपने बीजेपी को चुना तो डेंगू चिकनगुनिया के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, ठीक है। हम उनके श्राप से दिल्ली को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो भी मच्छर पैदा होता है, वो कहीं भी पैदा हो, अगर वो काटेगा तो पूछ के नहीं काटेगा कि मैं यहाँ पैदा हुआ था तो मैं यहाँ काट लूँ। इसलिए हर घर, चाहे क्लस्टर हो, चाहे डीडीए की लैंड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, सोसाइटीज हो, आरडब्ल्यूज हो, हर जगह जाकर डेली हमारे बंदे डीबीसी करने जाते हैं, डेंगू ब्रीडिंग चेकिंग करने जाते हैं। और जहाँ पर अगर वैसे अभी तक हमें कहीं कोई केसेस ऐसे मिले नहीं है, एक आधी जगह कुछ कमी लगती है तो हम उन्हें समझा कर आते हैं, नोटिस देकर आते हैं, और सेकेंड टाइम पकड़े जाने पर हम उनका चालान भी काटते हैं ताकि वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिम्मेदार हो, और क्लस्टर हो या RWA या कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, सबके साथ हमारा एक ही रवैया है, क्योंकि हर इंसान की कीमत बराबर है। 184 दिनों से निगम के कुछ कर्मचारी निगम मुख्यालय पर धरना दिए बैठे हैं,
काफी लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनका जो धरने वाली जो पोजीशन है, जो उनको सैलरी मिलनी है, जो इंक्रीमेंट मिलने हैं, वो काफी सालों से नहीं मिले। और वो पिछली बार जब निगम पार्षद चुन के आए थे तब भी वो बात करते थे, महापौर थी तब भी कहते थे, लेकिन ना मैंने सुना है कि वो आपके ही क्षेत्र में है, उनसे आप कभी मिलने गई? बिल्कुल, मैं उनसे मिलने गई और मेरी लगातार सफाई यूनियन के कर्मचारियों से, उनके लीडरों से, नेताओं से बात भी हुई है और हमने उन्हें बस एक ही विश्वास दिलाया है कि हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति, मैंने तो एक ही चीज सीखी है, मेरे सिद्धांत है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। और अगर उन्हें इतने दिनों से तनख्वाह नहीं मिली तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने कर्मचारियों को प्रॉपर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने 2800 करोड़ रुपया देना था, कुल 9 करोड़ रुपया हमें दिया है। तो ये दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी निगम को इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर रहे हैं कि वहां पर दिन रात कर्मचारी हड़ताल करने को तैयार बैठे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो भी फैसला होता है किसी भी निगम कार्यालय में, कमिश्नर है, मेयर है, हमारी महापौर भी इस विषय पर गंभीर रूप से चिंता कर रही है। LG से हम जाके मिल चुके हैं, केजरीवाल सरकार जी से हम जाकर मिल चुके हैं केजरीवाल जी से कि हमारे निगम के कर्मचारियों को आप तनख्वाह देने के लिए हमें जो भी बकाया हमारा है कुछ राशि हमें प्रदान करें ताकि हम उनका कर्मचारियों को सैलरी दी जाए ताकि आगे हड़ताल ना हो। अब ये केजरीवाल जी के जिम्मे में है कि वो हमें कब फंड रिलीज करें और कब हमारे कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने का मौका मिले। अपर्णा जी, आपके क्षेत्र का काफी हिस्सा DDA का आता है जिसमें DDA लैंड है, MCD की बहुत कम लैंड है, MCD की बहुत कम सड़कें हैं, 2 या 3 सड़कें गिनी जाती हैं MCD की, और वो जो कोऑर्डिनेशन में जो समस्या आती है, क्या आपके साथ भी वो समस्या आती है या नहीं? बिल्कुल, आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया है, समस्या आती है और जरूर आती है। सबसे ज्यादा समस्या मुझे मेरे एरिया में, सबसे बड़ी आयरनी मैं कहूंगी हास्यास्पद, वो है कि PWD की रोड्स और DDA की बहुत सारी रोड्स हैं। DDA की 9 रोड्स मेरे यहाँ हैं, 2 गाजीपुर में जाके 11 रोड्स फुल हो जाती हैं, और ऐसी PWD की बहुत सारी रोड्स हैं। DDA से तो फिर भी कोऑर्डिनेशन मेरा ठीक ठाक हो रहा है कि PWD से मेरा कोऑर्डिनेशन अभी तक बहुत अच्छा नहीं हो पाया। मैं तो अपने को सर समन्वय की मानती हूँ कि विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय करना मेरा काम है। आपके क्षेत्र में जो युवा सांसद हैं महेश गिरी जी, पिछले 3 सालों में उन्होंने इतना काम किया और सबसे ज्यादा निगम पार्षद केवल उन्हीं की लोकसभा सीट से जीत के आए हैं। और अगर उनको कहा जाए तो विकास पुरुष की अगर संज्ञा अगर किसी को दी जा सकती है तो श्री महेश गिरी जी को दी जा सकती है, और चूंकि आपने उनसे भी बहुत सारी प्रेरणा ली है तो आप उनके विषय में क्या कहेंगे? उनके जैसा सांसद मिलना हमारा सौभाग्य है। एक साधु व्यक्तित्व वाला आदमी जो सिर्फ कर्म को प्रधानता देता है, वो कर्म पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, और उन्होंने अपने अध्यात्म को अपने कर्म में इस प्रकार उतार लिया है कि आज वो देश इस लोकसभा का इतना विकास कर पाए हैं। अगर उनके दिल में सेवा करने की इच्छा नहीं होती तो वो इतना काम कभी ना कर पाते। हमने और भी सांसद देखे हैं, हमारे यहाँ MP संदीप दीक्षित जी रहे, उनके समय में क्या कार्य वो भी हमने अपनी आंखों से देखा, और आज 3 साल में कितना कार्य हो ये भी हम देख रहे हैं। तो ये कंपैरिजन का तो मामला ही नहीं है। महेश गिरी जी जैसा व्यक्तित्व अगर आज हमें पूर्वी दिल्ली को लोकसभा सांसद के रूप में मिला है तो ये हमारी पूर्वी दिल्ली का एक सौभाग्य है कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा जो सिर्फ कर्म और सेवा ही करना जानता है। अभी पूर्वी दिल्ली में वाइब्रेंट ईस्ट दिल्ली होने वाला है, जैसे कि गुजरात में मोदी सरकार करती थी वाइब्रेंट गुजरात, उसी की तर्ज पे यहाँ पे वाइब्रेंट ईस्ट दिल्ली होने वाला है जिसमें कि दूर दूर से लोग आएंगे और कहेंगे कि भाई हम लोग ईस्ट दिल्ली में काम करना चाहते हैं, ईस्ट दिल्ली में रहना चाहते हैं। वन विंडो सॉल्यूशन जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर सॉल्यूशन का एक ही वो हो वन विंडो सॉल्यूशन, उसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान आकर्षण होने वाला है। पास में ही आपका IP यूनिवर्सिटी बनने वाली है जो कि आपका स्मृति ईरानी जी ने जिसकी स्टार्टिंग की थी, और वाइब्रेंट ईस्ट दिल्ली के विषय में आप कुछ क्या कहना चाहेंगी? वाइब्रेंट ईस्ट दिल्ली अगर यहाँ बनती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य जो ही नहीं। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में रहता हो उसे वो लगे कि वो ईस्ट दिल्ली में आना चाहता है, पहले इस एरिया को जमुना पार करके तिरस्कृत किया जाता था। मुझे तो खुशी है कि जिस दिन लोग कहेंगे अच्छा जमुना पार मतलब पूर्वी दिल्ली में आप रहते हैं, मैं इस आपके आइडिया से बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ और मैं भी बहुत जल्दी देखना चाहती हूँ कि कितनी जल्दी ये वाइब्रेंट ईस्ट दिल्ली बनती है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे MP महेश गिरी, जो आपने अभी IP यूनिवर्सिटी की बात की, उसको यहाँ पर शिलान्यास करवाने का पूरा श्रेय हमारे सांसद महेश गिरी जी को ही जाता है।
जगदीश के साथ अश्विनी पंडित, यूबीबी न्यूज़ से।